नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव। दोस्तों आज तारीख है 12 नवंबर 2020, शुभ दिन है गुरुवार का दिन, शुभ तिथि है द्वादशी, शुभ नक्षत्र है हस्त। सबसे पहले उन दर्शकों को हार्दिक शुभकामना जिनका आज जन्मदिन है। आपका जन्मदिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, लाभ देने वाला हो, ऐसी हम कामना करते हैं। सबसे पहले उपाय जिन दोस्तों का जन्मदिन है, दोस्तों जिनका जन्मदिन है उनके लिए एक विशेष उपाय है आज कार्तिक मास का, वो ये है अपने वेट का 10% गुड़ गायों को खिलाना आपके लिए लाभदायक रहेगा, सेहत के लिहाज से भी और कार्य क्षेत्र में भी उन्नति देगा। अब बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले दोस्तों आज आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली हो सकती है, आपके मित्र आपकी छवि को बिगाड़ने का भरपूर प्रयास करेंगे। थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधान रहें, ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें, आपको आज धोखा मिलने के पूर्ण आसार हैं। वृष राशि वाले दोस्तों कारोबार में उन्नति के योग है, विदेशों से अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं, विदेशों से धन प्राप्त हो सकता है, कोई ना कोई उपहार की भी प्राप्ति होने के भरपूर योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों धन का खर्च ज़्यादा होगा परंतु अच्छी जगह पर होगा, ये बात निश्चित है। मिथुन राशि वाले दोस्तों कारोबार में नए आयाम स्थापित होंगे, वाहन भूमि इत्यादि में घर के साज सवैयों में पैसा खर्च हो सकता है, आपके लाभ के भरपूर योग बन रहे हैं, पुरानी पेमेंट भी मिलने के पूरे आसार हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों आज तो आपके लिए उन्नति का दिन है, छोटे बहन भाइयों की सहायता से बिगड़ा काम बन सकता है, योग्य वर की प्राप्ति हो सकती है, जो शादी की इच्छा रखते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। आज जो आपके मन की इच्छा पूरी होगी, आप जो भी काम करवाना चाहते हैं बेफिक्र होकर करवाइए, आपको लाभ होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले दोस्तों सेहत के लिहाज से समय थोड़ा अनुकूल नहीं है, सावधानी रखें, जल्दबाजी से बचें, सरकारी महकमों में दिक्कत पैदा हो सकती है, सरकार की तरफ से दिक्कत आपको आ सकती है, उलझे नहीं, बहस ना करें, वाद विवाद ना करें, बल्कि सरकारी दफ्तर में जाके पानी पी के आएं। शुक्र और चंद्र आपकी राशि में है, धन खर्च भी होगा और आएगा भी, यात्रा से लाभ होगा, मन की इच्छा पूर्ण होगी, मेहमान के आगमन का योग बना हुआ है, और तो और कोई नया रीति रिवाज भी आज आपके घर में हो सकता है। अब बात करेंगे तुला राशि के। तुला राशि वाले दोस्तों मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें, प्रेम प्रसंगों से दूर रहें, लाभ हानि की फिक्र करने के बाद ही कोई स्टेप उठाएं, जल्दबाजी आज आपके दुश्मन है। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों केतु देव का गोचर आपके लिए कल्याणकारी है, लाभदायक है, फायदेमंद सिद्ध होगा, आज योजनाएं सिद्ध होंगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होंगी, छुपे धन की प्राप्ति होगी, अर्थात पुराना डूबे धन की भी प्राप्ति होने के भरपूर योग बने हुए हैं। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले दोस्तों कोई कानूनी अड़चन अगर है तो आज आपको वहाँ से फायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, कोर्ट कचहरी थाने से आज पूर्ण योग है, पूरे लाभ की प्राप्ति होगी, शत्रु पक्ष आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे परंतु गुरुदेव आज आपकी छवि को बिगड़ने नहीं देंगे, आपके लिए भरपूर लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होने के प्रबल योग है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले दोस्तों कारोबार की स्थिति बहुत बढ़िया है, योजनाएं सिद्ध होंगी, सफल होंगी, कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावट के बाद कार्य सिद्ध होंगे परंतु आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपकी उपलब्धि भी आज एक अलग नज़रिए से देखी जाएगी। बात करेंगे कुंभ राशि के। कुंभ राशि वाले दोस्तों मेहनत का फल थोड़ा लेट मिलेगा, आप करते रहिए, घुटनों में या पैरों में दर्द हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, कहीं यात्रा ना करें, मान सम्मान आज हानि होने का क्षीण होने का योग है, जल्दबाजी से बचें, अपने मन की बात दूसरों से शेयर बिल्कुल मत करें, नहीं तो आपकी बात का अर्थ गलत निकाला जाएगा। मीन राशि वाले दोस्तों आज तो आपके प्रबल योग है घूमने के, यात्रा करने के और कुछ स्वादिष्ट भोजन करने के, थोड़ा ध्यान रखें, पेट का लिहाज रखें, हो सके तो पैसों का लेन देन आज खुले विचारों के साथ करें, मन में वहम ना रखें, सर्व सिद्ध योग है, सर्व कल्याण योग है आज आपके लिए। दोस्तों ये था आज का राशिफल, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव
ओम शिव।